तो हेलो बच्चों, स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं बीपीटी, यानी कि बीआईपी कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं बीपीटी। यानी बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ऑफ क्लास 10th। तो ये देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट, फिर देखेंगे इसका प्रूफ। और वैसे ही ये बीआईपी थ्योरम यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूछी जाने वाली थ्योरम है। तो देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कह रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इट इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट अ डिस्टिंक पॉइंट विच इज द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन अ सेम रेशियो। तो ये देख लेते हैं मैंने क्या बोला और आपने क्या समझा। तो जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ए बी सी ट्राइंगल, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी पी क्यू। पी क्यू लो लाइन है वो पैरेलल टू बी सी है, पहली कंडीशन दे दी है। पी क्यू किसके लाइन के पैरेलल है? बी सी के। और डिस्टिंग कहाँ पर, यानी कि इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रही है? ए बी पर और ए सी पर। जो अदर टू साइड्स हैं यानी कि ए बी और ए सी, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि ए पी अपॉन बी पी इजिकल टू हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है ना, ये अपन को प्रूफ करना और ये अपन को गिवन दिया। ठीक है ना, तो ये देख लेते हैं इसका गिवन, फिर देखेंगे इसका प्रूफ। ठीक भाई, तो गिवन क्या कह रहा है? गिवन दे रहा है कि एक ट्राइंगल दे दिया है, ट्राइंगल के अंतर्गत हमें पी क्यू पैरेलल टू बी सी दे दिया, सिंपल। तो लिख देंगे ए बी सी इज अ ट्राइंगल और पी क्यू पैरेलल टू बी सी। इतनी चीज समझ में आई होगी। और अपन को टू प्रूफ करना है। ठीक है भाई, तो कर लेते हैं। क्या करेंगे? ए पी अपॉन बी पी, या पी बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, और क्यू सी कर सकते हैं। ये अपन को प्रूफ करना। जो छोटा मोटा सा में कंस्ट्रक्शन तो चलता है, छोटा मोटा सा कंस्ट्रक्शन चलता है। कंस्ट्रक्शन ये चलेगा कि पी के थ्रू मैंने इस पर एक ऑल्टीट्यूड खींचा, यानी कि एक परपेंडिकुलर खींचा, और क्यू से मैंने इस पर परपेंडिकुलर खींचा, सिंपली। ठीक है ना, नाम दे दिया इस पर एम पॉइंट पर, इसे एन पॉइंट पर। ठीक है, और Q को मैंने B से जोड़ दिया, जिससे परपेंडिकुलर करोगे उसको जोड़ दोगे, जिसके द्वारा पैरेलल है, और मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है ना, तो छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रॉ टू टू ऑल्टीट्यूड। ठीक है ना, कौन कौन से? क्यू एन एंड पी ए। ठीक है ना, और क्या करा अपन ने, ज्वाइन पी सी एंड बी क्यू, इतना काम अपने कर लिया। आइए देख लेते हैं इसका कैसे चालू होगा इसका प्रूफ, टू प्रूफ। तो टू प्रूफ के लिए जैसे मैं बताऊं वैसे ही आपको काम करना है। अगर पूरे पांच या तीन नंबर में आई है, पांच में तो आएगी, तीन में आ जाएगी। ठीक है ना, अगर चाहिए तो काम करना पड़ेगा। पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल, किसकी? इन ट्राइंगल ए पी क्यू की। हम निकालते हैं इसका एरिया, एरिया ऑफ ए पी क्यू। ठीक है ना, एरिया ऑफ ए पी क्यू। तो भाई एरिया ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है भाई? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाइट क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और बेस क्या होता है? जिस पर वो परपेंडिकुलर होता है, हाफ इंटू बेस। तो इस पर बेस कौन सा हो जाएगा? ए पी, क्योंकि बेस, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? क्यू है। ठीक है ना, अब सोच में आ रहे होगा कि सर पीएम क्यों नहीं लिया, वो लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि पीएम अभी क्यों नहीं लिया। तो ए पी इंटू क्यू है। ठीक है ना, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब क्या करते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं? इन ट्राइंगल पी क्यू बी, इन ट्राइंगल पी क्यू बी, या ले लेते हैं बी क्यू बी, कुछ भी ले सकते हैं आप, पी क्यू बी। तो इसका भी एरिया निकालते हैं पी क्यू बी, हाफ बेस। बेस तो क्या हो जाएगा? बी पी हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होगा भाई? ध्यान से देखो, क्या देखो? ध्यान से देखो, ये ऑप्ट्यूज ट्राइंगल है, और ऑप्ट्यूज ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वो भार बनता है, सिंपली ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बनाऊँ इसको तो कुछ ऐसा बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, यानी इसका ऑल्टीट्यूड दिस वन हो जाएगा, और दिस वन कौन है? एन, यानी कि इसका हाइट कौन सी हो जाएगी? क्यू एन। ये रफली था, इसको रेज कर देते हैं हम,
ठीक है भाई, इतनी चीज समझ गए। अब सर ये दोनों ट्राइंगल क्यों लिए? ये इस वजह से लिए क्योंकि मुझे क्या करना है, एपी, एपी किसके इक्वल अपॉन में लाना है, बीपी के। तो एपी बीपी के अपॉन में आ रहा है, देखो भाई डिवाइड करूंगा तो आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है, इतनी चीज समझे। अब इन इक्वेशन का क्या कर दो, डिवाइड। इस वजह से मैंने एक साइड वाले ट्राइंगल लिए और दूसरी बार उस साइड वाले लूंगा, ठीक है। तो कर देता हूँ डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, एरिया है ए पी क्यू अपॉन एरिया पी क्यू बी, तो दोनों के एल एच एस लिख दिए। अब आर एच एस लिख देते हैं अपन, तो हाफ इंटू ए पी इंटू क्यू एन, हाफ बी पी मल्टीप्लाई क्यू एन। भैया जो रिश्तेदार है उनको काट दो, यानी कि ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सब नानी के घर पे गए, इसको हटा देते हैं। और ये क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ सिंपली यहाँ लिख देते हैं, क्या बचा, ए पी अपॉन बी पी किसके इक्वल, एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू वी। समझ में आ गया, ये अपन पर आ गया, अपन को ये पाना है, सो इक्वल कर देंगे। तो मैं क्या करूँ, बोर्ड छोटा है, तो अपन ये करते हैं, ये रिच सिंपली आपने ये उतार लिया होगा, नहीं उतारा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोक के, और हम इस चीज़ को मिटा रहे हैं, हम बस इसका ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक भाई, यहाँ लिख लेते हैं, जो काम करना है वो यहाँ कर लेंगे, फिर बाद में कर लेंगे। अब क्या करते हैं, जरा ये बात यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक। अब क्या लेते हैं, अब दोबारा से ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, एक ही तो ट्राइंगल है हम पर, ए पी क्यू, ठीक है ना। अब पिछली बार बेस कौन सा लिया था, हमने ए पी लिया था और हाइट ये ली थी, लेकिन इस बार बेस हम चेंज कर देंगे एरिया में, तो बेस कौन सा हो जाएगा, दूसरी हाइट कौन सी है, पी एम पी एम पी एम, और वो किस पर डल रहा है, ए क्यू पर, तो ए क्यू मल्टीप्लाई पी एम, यानी कि हाइट हो गई, ये क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है ना। अब कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, मुझे ज़रूरत किसकी है, किसकी ज़रूरत है, ए क्यू के नीचे क्यू सी की ज़रूरत है, यानी कि इस बेस की ज़रूरत है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी क्यू सी, तो ले लेते हैं एरिया पी क्यू सी इज इक्वल टू, क्या बनेगा पी क्यू सी का एरिया, तो सिंपली ये भी कैसा हो गया, जस्ट अभी समझाया है, क्या समझाया है कि ये ऑब्ट्यूस ट्राइंगल है दोनों, तो इसका बेस तो सिंपली ये हो जाएगा क्यू सी, ठीक है ना, और हाइट कौन सी हो जाएगी, दिस वन, ये भी वैसी कंडीशन आ गई, ये ऐसे बना सकते हैं, इसका ऑल्टीट्यूड बाहर आएगा, तो हाइट कौन सी हो जाएगी, पी एम, इतनी चीज समझ में आ गया। इसको बोल देते हैं थर्ड, इसको बोल देते हैं फोर्थ, क्या करो जैसे पहला काम किया वैसे ही करो, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो बोल देता हूँ डिवाइड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो डिवाइड करो जरा, एरिया ए पी क्यू अपॉन एरिया पी क्यू सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिख लेते हैं हाफ इंटू ए क्यू इंटू पी एम और अपॉन हाफ इंटू क्यू सी इंटू पी एम, जो भाई रिश्तेदार हैं उनको काट दो, उनको भेजो, तो अपन पे क्या बचे, ए क्यू क्यू सी, यही चाहिए था, अभी और काम है, थोड़ा सा काम है बस, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, अगर स्किप कर दी तो भैया नंबर गए आपके हाथों से। तो ये हटा करके मैं इधर आ जाता हूँ, इसको गिवन प्रूफ को हटा देता हूँ। आई थिंक आप ने इसका स्क्रीनशॉट या कॉपी पे नोट डाउन कर रहे होंगे, तो इधर आ जाते हैं, ठीक है, पहले इधर गए फिर इधर, ठीक है। तो ये चीज़ अपन पे बचा गया, एरिया ए पी क्यू अपॉन एरिया पी क्यू सी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गए, तो अपन पे बचा ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेकिन इसको देखो भाई, हमें ये दोनों चाहिए था, ये दोनों ही तो चाहिए था अभी प्रूफ में, तो सिंपल ही, लेकिन यहाँ पर देखो इसको और इसको देखो, इन दोनों के बेस सेम नहीं है, इसका बेस है पी क्यू भी, इसका बेस है पी क्यू सी, तो दोनों के एल एच एस तो सेम नहीं, कि सर कह दो आर एच एस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, आप जाइए क्लास नाइन्थ में, कि हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेस पर होते हैं और बिटवीन सेम पैलर होते हैं,
ठीक है ना, तो इनके दोनों के एरिया कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा आई थिंक चैप्टर 9, ठीक है ना, और शायद पहली थ्योरम थी थ्योरम 9.1। तो यहाँ पर देखो ये ट्राइंगल और दिस वन ट्राइंगल, इन दोनों के बेस सेम है BC, इन दोनों का सेम पैलर है BQ और BC, तो इन दोनों के एरिया कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बोल सकता हूँ नाउ वी नो, या नाउ लिख देते हैं, एरिया PQC इज इक्वल टू एरिया PQV। अब यहाँ आप लिख देंगे रीजन, ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हाँ तो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, इफ टू ट्राइंगल हैव सेम बेस, ठीक भैया, ये बुक में सारी चीज मिल रही होगी, राइटिंग यहाँ प्रेफर नहीं करती है, नॉलेज यहाँ प्रेफर करती है, तो कोशिश करा करो ये चीजें स्टेटमेंट बस समझने के हैं, ये चीजें, इफ टू ट्राइंगल्स हैव सेम बेस एंड सेम पैरेलल, तो कोशिश की जा रही है कि इसके लिए सेम पैरेलल हो गया, ठीक है, ठीक। तो सेम पैरेलल आपको पता ही है बी क्यू बी सी के पैरेलल हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, तो कह सकते हैं हैंस दे हैव इक्वल एरिया, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल एरिया, ठीक। तो ये दोनों के एरिया मैंने कैसे कर दिया, इक्वल, तो अब तो वो काम खत्म हो गया भाई, वही है, तो मैं एरिया ए पी क्यू इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एरिया पी क्यू वी, पी क्यू वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू सी कर सकता हूँ, इसको बोल दो भाई इक्वेशन ए, इसको बोल दो इक्वेशन बी, तो भाई दोनों के एल एच एस सेम हो गए, तो क्या सेम हो गए दोनों के, आर एच एस सेम हो गए, ठीक। तो सिंपली हम इसको हटा देते हैं और लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो क्या बोला, बोल सकते हैं भाई इक्वेशन ए एंड बी, ठीक है ना, दोनों के एल एच एस सेम हो गए और दोनों के आर एच एस भी सेम कैसे हो जाएंगे, तो लिख देते हैं ए क्यू अपॉन क्यू सी इज इक्वल टू ए पी अपॉन बी पी, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि जो लाइन दो दो लाइन हैं वो डिवाइड हो जाएंगी सेम रेशियो पर, तो आई थिंक ये प्रूफ हो चुका है और आपने समझी होगी वीडियो, तो बने रहिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।